एक बार बोले श्री गोविंद भगवान की जय। धन्यवाद ऑनलाइन व्यूअर्स, सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। आप सबको हम विशेष विशेष स्वागत कर रहे हैं और आज का प्रोग्राम शुरू करें। उससे पहले सभी को हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत। हमारे नाल प्रसाद दे रहे हैं आज हितेश लाल भैया, और हारमोनियम प्रसाद दे रहे हैं हमारे मास्टर रमेश राम, और हमारे कैमरामैन मास्टर पवन धन्यवाद, और साथ में हमारे भ्राता श्री उत्तम भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद भाभी शीला जी और भाभी सरोज जी और टीचर सवित्र जी, आपको भी और घर गर्मा के पीछे बैठा है। बोले श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की, गोविंद भगवान की, गणपति भगवान की, माँ सरस्वती नमः, ओम गुरुदेव भ्यो नमः, ओम स्त्री बताभ्यो नमः, ओम माता पित्रो चरण कमलेभ्यो नमः, ओम सर्वे वयो देवेभ्यो नमः। अपने पूज्य माता श्री को प्रणाम है मेरा, साष्टांग प्रणाम है, साथ में हमारे स्वर्ग पिता श्री को भी साष्टांग प्रणाम, हमारे गुरुदेव जी उनको भी मैं साष्टांग प्रणाम करता हुआ, सभी साधु संत महात्मा जन जो जो भी जहाँ से हमारा मंगल आशीर्वाद देते हैं, हम सबका सदैव ध्यान रखते हैं, हम सबको मार्गदर्शन करवाते हैं, सबको बुरी बुरी प्रणाम। और ऑनलाइन व्यूअर्स आप सबको पुनः पुनः हृदय से धन्यवाद। गणपति भगवान श्री गोविंद भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए चलिए हम सब बोलेंगे ओम श्री गजानन भूतगणाधीशेवितम् कपितजमूरुफलचारुलक्षणम् उमासितं शोकविनाशकारकम् नमामि विजनेश्वरपादकं तजम् धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचंद्र गणनाथ। बोले गणपति भगवान की जय। हाँ, हारमोनियम पर आप साथ दे रहे हमारे श्रवण कुमार, आप हम लोग मास्टर रमेश को कहें कि आप थोड़ा सा आराम करें, बाद में कीर्तन जरूर सुनाएंगे हम सबको। आइए भाव से चले हम श्रवण भैया का साथ होते हैं, छुट्टी आपका भी स्वागत कर लेते हम लोग, भाव से आप ले लो करता है। सब बोले नवनीरगाभांबरा गरुणबिंदफलाधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद श्रीकृष्ण परम सब बोले श्री गोविंद भगवान की जय। आइए भाव से सब गाएं हमारे साथ में हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे
मित्राय तापत्राय मित्राय एन प्रया भारत तैल पूरणाय प्रजवाली तो ज्ञानाय महः मां सरस्वती भगवती ने ओम श्री परमात्मा हरि भजन हम सुने श्रवण से मांगे आज की कथा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आइए बड़ा सुंदर भाव पिछले सप्ताह हम लोगों ने श्रवण करी राधा जी खाना है
भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जब हमारे नमन स्वामी नहीं होते हैं तो फिर आप आते हैं, कभी अनमोल भी आते हैं बेटा आते हैं, कभी कोई और आ जाता है, कभी कौशिक आ जाते हैं, तो मिलजुल करके हम लोग ये कार्यक्रम जो है वो कोशिश करते हैं कि हम इसको आपके बीच में विघ्न रहित ले आए। तो हर सप्ताह जो भी कथा, जो भी भक्ति, जो भी हम कर पाते हैं उसके लिए परमात्मा को विशेष विशेष धन्यवाद कि आपने सुंदर अवसर हमें प्रदान किया, हम सबको प्रदान किया कि भागवत महापुराण की पावन कथा को हम बड़े ही तरीके से भक्ति और भाव से इसको सुन सकें। तो तीसरे स्कंद में हम प्रवेश पिछले सप्ताह किया और पिछले सप्ताह हमने श्रवण किए कि विदुर जी और किसका मिलन हुआ, विदुर जी और उद्धव जी, उद्धव और विदुर कल पिछले सप्ताह थे श्रवण भाई नहीं थे, फिर भी आप कैसे कथा पकड़ लिए। जय हो प्रभु, प्रभु कृपा है, कहीं ना कहीं से तो आवाज मिल गई होगी कि कथा यहाँ का प्रसंग ही है। उद्धव और विदुर जी का बड़ा सुंदर प्रसंग चला। अब उद्धव जी द्वारा भगवान की जो बाल लीलाओं का वर्णन है वो करी गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाले बातें पूछी तब उसने अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वह हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर ना दिए, बस चुप करके शांत से बैठ जाते हैं। उद्धव का अनुपम प्रेम आपको पता है ना, आपको पहले भी इस कथा को ज्ञात हुआ है कि उद्धव तो निराकार ब्रह्म को पूजने वाले मानने वाले बृहस्पति के परम शिष्य, उनको अगर कुछ आता था तो निर्गुण ब्रह्म के विषय में ही आता था, उनको सगुण ब्रह्म के विषय में कुछ भी नहीं पता और वो सगुण ब्रह्म के बारे में कुछ जानते भी नहीं। सगुण का मतलब ये जो हमें दिखाई मान हो और निर्गुण का मतलब ये जो हमें दिखाई मान ना हो। तो परमात्मा तो आप जानते हैं, परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र है, परमात्मा इधर है उधर है सब तरफ है, ऐसे परमात्मा जो है वो कैसे और कहां हम सबको बोलिए मरे दा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय, श्री गोविंद भगवान की जय। तो नजदीक इस कारण से ना हम लोग को थोड़ा परेशानी आ रही है, पीछे कोई बात नहीं, हाँ थोड़ा पीछे कर लो अगर मास्टर जी उसको, धन्यवाद इधर करके आओ और पीछे कर लो अपन लगे कर लो, धन्यवाद जय श्री राम। ओके हम चलते हैं, आपको इस बात का ध्यान रहे कि निर्गुण ब्रह्म कि जो व्याख्या है वो अद्भुत है ही, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं परमात्मा को, और जो परमात्मा को नहीं देखा तो उनकी कल्पनाओं के माध्यम से वो कैसे लगेंगे भगवान। भगवान के नेत्र कैसे हैं, भगवान के नेत्र कैसे हैं, भगवान के मुखारविंद कैसे हैं, भगवान के घुंघराले बाल तो है नहीं क्योंकि वो सभी तरफ छाया हुआ है। ऐसे श्री भगवान को कोई देखा ही नहीं,
और ना कोई अनुभूति कर पाएंगे। इसलिए उस परमात्मा का अगर हमें साक्षात करना है तो कई जन्म बीत जाते हैं मुनियों को, मुनि लोग जन्म जन्म तक उस निराकार ब्रह्म को ध्यान करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, मर जाते हैं, फिर जन्मते हैं और ऐसे जन्म मरण के कईयों जन्म बीतने के बाद में कहीं शायद उस परमात्मा का दर्शन हो जाए, लेकिन ऐसा दर्शन जो उन्हें मोक्ष के गति को प्राप्त कराने वाली होती है। जैसे बाली प्रसंग में आता है कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई अंतराम कहीं आवत नाही, ऐसे भगवान को ध्यान करना उस निराकार रूप में बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुश्किल है, हम कहेंगे असंभव, लेकिन प्रयास इतना ज्यादा करने पर कहीं ना कहीं प्रभु हम सब और आप पर कृपा जरूर कर देंगे। तो इधर उद्धव आज जो निर्गुण ब्रह्म के पूजने वाले हैं, आज वही उद्धव को जब भगवान ने ब्रज के भूमि पर भेजा तो वापस लौट करके आए तो अश्रुपात्र हो गए और कहा श्री गोविंद भगवान से कि प्रभु अगले जन्म हो तो हमें गोप गोपी ही बनाना, अगले जन्म मेरा हो तो कोई ऐसे ऐसी रूप में हमें प्रकट करवाना ताकि हम गोपियों के और गोप के साथ में रह करके आपके उस माधुर्य लीला का हम रसास्वादन करें। और अंत में एक निवेदन और किया है जो बहुत ही भगवान को भा गया है कि अगर कोई भी योनि ना हो सका ना तो हमें कीट पतंग लता आदि बना देना ताकि ये गोपियां और गोप के जो ब्रज भूमि पर नृत्य करना आपके याद में उनके पैरों के माध्यम से धूल उड़े और हम पर आकर के पड़ जाए, बस यही सुंदरता। और वो सगुण है परमात्मा श्री कृष्ण गोविंद जी बाल लीला का जो हमें और आपको दसवां स्कंद में प्राप्त होंगी सुनने को, इस लीला में कथा को सुनना है तो आपको कृष्णमय हो जाना चाहिए। बस आपको पता है कितने सुंदर सुंदर भजन गाए गए हैं प्रभु के लिए, हरे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, गैया चराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। ऐसे गोविंद भगवान को यहां तक मैया यशोदा भी नहीं समझ सकी कि वो साक्षात नारायण है, कितने अद्भुत लीलाएं हुई है। मैं एक कथा पढ़ रहा था कि एक बूढ़ी माई गोकुल में आई, अपने सर पर फलों का टोकरी रख करके, और बाबा नंद के यहां जब पहुंचती है तो कृष्ण को जब देखती है तो इतना मगन हो जाती है, एक टक देखती रही कृष्ण को, लल्ला को। लल्ला ने कहा मैया एक फल दे दो ना, लल्ला जो सारा संसार को खिलाते पिलाते आज एक फल मांग रहा है बूढ़ी माई से। बूढ़ी माई ने कहा कि बेटा दे देंगे, और ये क्यों है, मेरा सारा टोकरी आपका, और सारे फल को वहीं छोड़ करके लल्ला को बार बार निहारते हुए, और जब गोकुल के उस गलियों से निकलती हैं तभी मैया यशोदा आती हैं और देखते हैं लल्ला कृष्ण को कि सारे फल को ले बैठा हुआ है, इधर से बिखेर रहा है, सभी को एकत्रित कर रहा है। कहता मैया हमें तो ये आम खाना है, ये फल बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे अभी अभी चाहिए। मैया ने पूछा भला बताओ तो ये फल आपको किसने दिया। अरे बोले भाई माई आई थी। अरे माई आई तो ठीक है, इतना सारा फल दे गई और पैसा
कुछ तो दिया नहीं उनको बदले में, बदले उनको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए था। अरे तभी बाबा नंद आ गए, मैया ने कहा यशोदा जी कि देखो ना बाबा दौड़ो देखो कहीं बहुत दूर नहीं गई, तो बूढ़ी माई थी और वो शायद जल्दी मिल जाए आपको और उनको आप भरपाई कर दो, जो कुछ फल आदि छोड़ गई है उसका आप चुकता कर दो, हिसाब किताब बराबर कर दो, नहीं तो हम कर्ज हो जाएंगे बूढ़ी माई का। और इधर जब वो गलियों से निकल रही है तभी यही लल्ला कृष्ण अपने नंद महल छोड़ करके उस बूढ़ी माई के आगे खड़े हो जाते हैं। और जब मैया देखती है, जैसे सेवरी मैया है राम जी को देखी, ऐसे वो लल्ला कृष्ण को जब देखती है तो साक्षात प्रभु नारायण रूप में उसको दिखाई दी। अरे असुर पात्र हो जाती है भगवती। और वो डंडा लेकर के चलने वाली थी, डंडे के सहारे कदम कदम चलती थी, और भगवान श्री कृष्ण को जब उन्होंने स्पर्श किया था ना नंद के घर पर, तो उसी समय उनके शरीर में ऊर्जा आ गई थी और कुछ देर चलते हुए डंडा भी उनके हाथों से छूट गया और जो लचक लचक करके चलती थी सारा शरीर जो है एकदम सीधा हो गया। जैसे हमारे आप कुबजा को सुने हो ना, कुबजा को जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में देखा तो देखा बोले ऐ सुंदरी, और कुबजा इधर उधर करके देखी बोले कौन सुंदरी, अरे बोले नहीं हम आपको बुला रहे हैं, बोले आप ही आओ अंगराग मतलब चंदन हमें भी लगाओ, अरे बोले सुंदरी तो हम कहां, अरे कई जगह से मैं टेढ़ी कैसे सुंदरी, प्रभु क्या बोले ना आपके शरीर को मैं नहीं देख रहा हूँ, आपके अंदर जो बैठा है हृदय आत्मा है मैं उसको देख रहा हूँ और वही तो सुंदर है, बाकी क्या है। बामनी कहा करके कहा शबरी मैया को, बामनी कैसा 75 वर्ष की जो है बूढ़ी उसको कैसे बामनी बोले, बामनी मतलब अति सुंदरी, और अति सुंदरी क्या है शबरी मैया का हृदय, और ऐसे ही हृदय सुंदर बना लो। हाँ भैया सर्वणी भजन हो जाए, हृदय बना लो भगवान का एक सुंदर भजन। और फिर हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे इस कथा को लेकर के, उद्धव के द्वारा बाल लीला का वर्णन करना कितना अद्भुत है, कितना आनंदित है, कितना मगन होकर के सबको सुनना चाहिए। Yeah.
साल हीटर टोको के चक्कर लगाए आपने ना, बहुत भारी बहुत भारी। अच्छा, तो ऐसे हमारे बचपन के छोटे हमारे सरवन बहुत सुंदर लग रहा है। बड़ी बड़ी महफिल में जब हम लोग गाते हैं ना, तो बड़ी महफिल में बहुत हल्ला ये वो, लेकिन यहाँ शांत वातावरण में ये अलग है। ऐसे लग रहा है कि भाई हम लोग कहीं ऐसा बैठे हुए हैं किसी गंगा जी के पावन तट पर, यमुना के पावन तट पर, किसी हम लोग के कदम के वृक्ष के नीचे आराम से भगवत की कृपा बरस रही है। बस ऐसे सुमधुर आवाज में ऐसे सुंदर लीलाओं का वर्णन हो रहा है। आम के बड़ा आम के पेड़ नीचे बैठा हुआ। अच्छा, ढेर आम के पेड़। कौन आम के पेड़ नीचे भरते हैं? अच्छा अच्छा, जय सिया राम जय सिया राम। ये जयंत भैया अगर सुन रहे हो तो उसको पता है कौन सा आम पेड़ की बात कर रहे होंगे। धन्यवाद, जय सिया राम। तो अब विदुर जी को जब प्रश्न पूछा है विदुर जी से, विदुर जी ने प्रश्न पूछा जब उद्धव से, तो उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, और जैसे स्मरण किया तो स्वाभाविक है भाई, जो भक्त डूबे होते हैं भगवान के चर्चाओं में, उनको तो भगवान के सुंदर नाम सुन करके उनके आंसुओं की धारा बह जाती है। जब जब भी कहना, वो पाषाण हृदय होता है जिनको भगवान के नाम से कोई अंदर में भावना नहीं जगती है, वो पत्थर हृदय वाला होता है। पाषाण मतलब पत्थर, जिनके दिल पत्थर के होते हैं वो भगवान को नाम को सुन करके कुछ ना पिघलते हैं। लेकिन हमारे हनुमान जी को देखो ना, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, जब जब भी भगवान श्री राम जी का नाम हो, उनका कीर्तन हो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, उसके आंसुओं से आंसू बहते हैं। जब जब भी राम जी का नाम लिया जाए तब आंसू बहने लगते हैं श्री हनुमान जी को। ऐसे कृष्ण के जितने भी प्रेमी होते हैं सबको यही होता है, सबको जब जब कृष्ण नाम लिया जाए, जैसे भी बहुत बैकग्राउंड में बड़ा सुंदर मधुर बांसुरी चल रही है, बस ऐसा कल्पना कीजिए कि आप भी कहीं वृंदावन के उस पावन धाम में हो, आप ही उस मथुरा के वृंदा गोकुल के वृंदावन के धाम में हो, जहां पर गई हैं चल रहे हैं कृष्ण जी अपने सुंदर त्रिभंगी भाग में, अपने अदृष्ट से लगाए हुए मुरली बजा रहे हैं,
वंशी विभूषित करा नव नीरवाद पीतांबरा धरुण बिंब बलाधरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात श्री कृष्णात परम किमपि तत्व महम न जाने बिंब बला मतलब बांस के बना बांसुरी राधा की सौतन बजते हैं तो हृदय पिघल जाता है। उद्धव जी स्मरण करते हुए भगवान को अश्रु पात्र होकर के और संसार के इन चक्रों से दूर कहीं खो गया और थोड़ी थोड़ी देर बाद में अपने आंखों को खोला, संसार के फिर झंझटों में फिर आ गया तो अपने आंसुओं को पोंछ करके और कहने लगे श्री उद्धव जी महाराज कि विदुर जी कृष्ण रूप सूर्य छिप जाने से हमारा जो ये घरों का काल रूप जो अजगर ने खा डाला है ऐसा लग रहा है। अब जब कृष्ण नहीं है तो यही लग रहा है कि हमें उस काल रूप अजगर ने खा बैठा है, वे श्रीहीन हो गए। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं? ओहो, या मनुष्य लोग में बड़ा ही आभागा है, इसने भी यादो तो नितांत भाग्यहीन है और जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्होंने नहीं उनको पहचाना। अरे उनको छोड़ दो, माँ यशोदा जो रोज खिलाती पिलाती है वो क्या विश्वास करती है बैठे श्री नारायण जी हैं? हाँ, नंद बाबा ने एक दो बार देख लिया है प्रभु के उस अद्भुत रूप को। बोले ना, वो फल वाला बात जब कर रहे थे तो दूर से खड़ा देख रहा था कि उन्होंने अपने उस फल की टोकरी को बोझा जब पाया कि भाई अभी तो हमने सब फल लल्ला को दे करके आएंगे, फिर ये कैसा बोझा हमारे सर पर आ गया है। टोकरी उतारी तो टोकरी में जेवरात हीरे मोती भरे हैं फल के बदले में, और उसको देख करके अश्रु पात्र होकर के दूर खड़ा लल्ला कृष्णा को देख करके कहा भाई हमें इसकी क्या जरूरत है। उसने अपने हाथों के कंगन भी उतार दिए, गले में पहना हुआ हार वो भी उतार दी और उस टोकरी में रख करके यमुना के तट पर जा करके उन्होंने यमुना में विसर्जित कर दी और एक पेड़ के तले जा करके बैठ गई कि बोले अब एक काम करो कृष्ण। बोले हे नारायण, मुझे अपने परम धाम को भेज दो। कहा कृष्ण ने उस नारायण रूप में कि हे मां, शीघ्र ही ऐसा ही होगा और ये खड़े खड़े नंद बाबा सब देख रहे हैं और अश्रु पात्र हो रहे हैं कि मेरे घर में नारायण। ये पहली बार नहीं, बार बार ऐसा उनको अनुभूति हुए और जब वापस गए ना तो कृष्ण तो लीला करते हैं, वो तो एक पल यहां दूसरे पल हुआ तीसरे पल हुआ और नंद बाबा से पहले महल में। अब जब नंद बाबा आए तो मैया ने पूछा यशोदा जी ने कि बाबा कैसे हुआ, हो गया? उनको दे दिया, चुकता कर दिया फलों का हिसाब? बोले क्या चुकता करना, नारायण ने स्वयं कर दिया। वाह, अरे अरे अरे, बाबा तो हमारे साथ पोल खोलने वाले हैं लेकिन नारायण भगवान की कृपा हुई, लल्ला कृष्ण की कृपा हुई कि नंद बाबा वहीं रुक गए, आगे नहीं बढ़े और नहीं बताए कि यही हमारी चमत्कारी पुत्र है। तो ऐसे बहुत अद्भुत सारे लीलाओं का वर्णन हो रहा है। उद्धव मगन हो गए। उद्धव ने कहा जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचानती हैं, यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक स्थान पर रह करके कीड़ा करने वाले भी वे उनको नहीं पहचान सके। साथ में रहे, साथ में खेले, साथ में खाएं, भगवान को नहीं पहचान पावे। लेकिन जब भगवान चले जाते हैं तो फिर वो कहानी याद आती है, बोले कहाँ है चिड़िया और कहाँ है खेत। डंडा लेकर पहुंचे हैं,
बोले क्या पछताए अब क्या पछताए हो जब चिड़िया चुग गई थे, इसलिए अनुभूति हो जाए एक बार हृदय में प्रभु है हमारे आसपास में, तो हमें प्रयास करना चाहिए उस कल्पनाओं को हम अपने अंदर में बिठा लें, हम ऐसे बिठा लें कि बस यही है जगत के कारण, अगर कुछ है तो यही है, अगर जगत में कोई है तो यही है, जगत को देखने पालने पोषने वाले अगर कोई है तो यही श्री नारायण जी हैं। ऐसे भगवान जो हैं धर्मराज युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ में जब भगवान उस नवाभिराम स्वरूप लोगों को दृष्टि पड़ी तो त्रिलोक के यही माना कि मानव सृष्टि के रचने विधाता की जितनी चतुराई है सब इसी रूप में ही है। उस भगवान के स्वरूप को देख करके आनंदित होकर के सभी ने वाहवा किया कि भाई अगर रूप हो माधुर्य हो सुंदरदार हो तो ऐसे ही हो। राजा जनक देही माने जाते थे, देह में रह करके भी प्राणहीन माने गए थे, लेकिन जब श्री राम जी को देखा तो इनकी सब जितना तपस्या थी सब दूर हो गई, जितने कुछ थे बोले कौन है ये राजकुमार है कि जगत के पालक हैं, कौन है इनको देख करके मेरे हृदय क्यों ऐसा असमंजस में पड़ रहा है, क्यों ऐसा भटक रहा है इधर उधर, कौन है ये। तो जो वशिष्ठ मुनि थे विश्वामित्र मुनि थे उन्होंने कहा कि जो आप समझ रहे हैं वही सही है, ये जगत के पालक भी है और राजकुमार भी है, राजा दशरथ के पुत्र हैं। ऐसे भगवान श्री को जब सब ने देखा है अपने इस विभिन्न रूप से तो उनके प्रेम पूर्ण और हास्य विनोद और लीलामय चितवन से सम्मानित होने पर ये ब्रज वालों की आंखों उनके ओर लग जाती थी और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़ करके कृष्ण के पीछे सब चले जाते थे। कितना अद्भुत होगा वो बात, कल ही हम लोग कहीं बात कर रहे थे भैया एक समय वो था अब वो वापस नहीं आएगा, कोई लौटा दे मुझे बचपन के वो दिन, वो कागज की तस्ती वो बारिश का पानी, वो नहीं लौटेंगे। बच्चे नहीं जानते दशहरा क्या है, बच्चे नहीं जानते दिवाली का, दिवाली तो हम मनाते थे भाई, दिवाली तो हम मनाते थे, आए भगवान भैया दिया वन हाथ से बनाते थे और गाड़ी जो होती थी ना वो कोप वाला दो पहिया और एक हैंडल होता था उसमें उसमें ये होती थी, कोई लौटा दे मुझे बचपन के वो दिन और कागज की कश्ती बारिश का पानी। अब वो समय नहीं आएगा, अगले युग में कहीं परमात्मा फिर हमें जन्म दे तो हमें उन बचपनों की बात याद आएगी, अन्यथा अब तो निकल पड़े हैं बहुत दूर निकल पड़े हैं हम लोग। आजकल के बच्चों का खिलौना तो कंप्यूटर है, आजकल के बच्चों का खिलौना कुछ है तो ये सब आधुनिक यंत्र हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारे जब बचपन के समय हुए करते थे तो अलग थी उस समय वातावरण, बहुत सुंदर थी। शाम को बैठ जाओ तो बूढ़ी नानी और आजी बैठ जाती और कथा बताती थी ना, आजा हमारे वो पुराने पुराने कथा बताते थे, कितना सुंदर लगता था, बहुत सुंदर लगता था। अजन्मा होकर के भी वसुदेव के यहाँ जन्म लेने की लीला जो करना, सबको अभय देने वाला होने पर भी मानो कंस के भय से व्रज में जाकर के छिप जाना और अनंत पराक्रमी होने पर भी काल्यवन के सामने मथुरापुरी को छोड़ करके भाग जाना, भगवान की लीलाओं याद करके और आकर के मुझे बेचैन कर डालती है, ऐसा उद्धव जी कहते हैं। उद्धव जी बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग याद करवाते हैं ना, सोनम बेटी होती तो हमें सुना, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, जिंदगी तेरे बस की नहीं है। क्या बनाया, क्या गाना है, क्या
क्या भजन है, क्या गीत है, ये तो प्रेम की बात है। उनको बंदगी तेरे बस की नहीं है, जिंदगी नहीं बंदगी तेरे बस की नहीं है। ऐसे भगवान के उस पावन कथा को श्रवण करो, अनुभूति करो, भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे हमारे और आपके बीच में। श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर है, ये बात मान लीजिएगा। और कहते हैं उनके सामान भी कोई नहीं है, और उससे बढ़ करके तो कौन हो सकता है। वे अपने वे स्वतः सिद्ध ईश्वर से ही सर्वदा पूर्ण काम है। और इंद्र आदि असंख्य लोक पालन नाना प्रकार के भेंटों लाला करके अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। विदुर जी वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर के निवेदन करते हैं कि देव हमारी प्रार्थना सुनिए। और इसके इस सेवा भाव की याद आते ही जैसे सेवकों के चित्त अत्यंत व्यतीत हो जाता है। पापनी पूतना ने अपने स्तन में हलाहल विष लगा करके कृष्ण को मार डालने की जो नियत से उसे दूध पिलवाया था, उसकी भी भगवान परमधाम को भेज दिया। कितना आइए मास्टर में एक सुंदर सा भजन आपके मखान बिंद से हो तो हम अंतिम चरणों में आए हुए आज की प्रसंग को लेकर के मुझे भैया उतीश जी को कहीं भेजना है, इसलिए हम चाहते हैं समय पर ही हम आज प्रसंग को विराम पर ले जाएंगे। आइए भाव से सब चलेंगे। मास्टर रमेश जी सुने हम इनके मुखारविंद से, और बहुत जल्दी हम चाहते हैं उत्तम भैया भी बहुत प्रैक्टिस कर लिए होंगे और रिकॉर्डिंग का समय आ गया। भाव से चलेंगे मास्टर रमेश जी, थोड़ा सा ऊपर कर लेने माइक्रोफोन, ठीक धन्य हो। शरण जी आप बजाए, हम बजाए, आप बजाए, हम बजाए। हाँ मास्टर जी, कान्हा ना बजा मधुर मुरलिया, शरण भैया बजाए। कान्हा ना बजा तू मधुर मुरलिया, कान्हा ना Oh,
स्कंद को नहीं प्रतीक्षा करते हम लोग, क्योंकि विदुर जी तो ऑलरेडी कई कथा भगवान के पावन चरित्र पावन लीला का वर्णन तो इसी तीसरे स्कंद में ही कर रहे हैं, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते तो सारा लीला का वर्णन हो जाएगा ना। तो इसलिए अब विदुर जी और श्री उद्धव जी का अब यहां से जुदा होना है। बहुत सारे कथाएं विभिन्न लीलाओं का वर्णन करके और अब निकल पड़ते हैं उद्धव जी और मैत्री मुनि के आश्रम पर इनका मिलना होगा, लेकिन आज नहीं मिलाएंगे हम लोग, अगले हफ्ता मिलाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की इस पावन कथा को एक और अनन्य भक्त जो मैत्री मुनि जी हैं उनका और श्री विदुर जी का आपस में संगोष्ठी होगी। आज की कथा यहीं पर विराम पर जाती है। हम सब पुनः एक बार हृदय की गहराई से सबको धन्यवाद करते हैं और खास करके शरण भैया अब अपने व्यस्त समय को निकाल करके फिर भी हमारे बीच में आए हुए हैं छुटकी सहित, और उतेश भैया हम जानते हैं हम बहुत बहुत खेद प्रकट करते हैं, हम शीतल रामायण मंडली के बहुत ही प्यारे सदस्य हमारे आदि विश्व नायर जी बहुत पुराने मित्र मेरे, कम से कम 25 साल पहले जिनका हमसे पहले पहले बार हमका मिलन हुआ था, आज बेचारे संसार छोड़ करके परमात्मा के परम धाम को गए हैं। हम शीतल रामायण मंडली की तरफ से और श्री उतेश लाल भैया के परिवार के तरफ से और समस्त जितने भी जो लोग जानते थे हमारे स्वर्गीय श्री विश्वनाथ जी को, हम आदि विश्वनाथ जी की आत्मा के लिए सभी को प्रार्थना करें कि परमात्मा उनको सदगति दे, परमात्मा उनको उत्तम धाम दे, परमात्मा उनको उच्च से उच्च श्रीमान के घर में कहीं जन्म दे, परमात्मा उनको मोक्ष गति प्राप्त करें। सब बोलेंगे मेरे साथ में ओम महानादिनिदनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेतमोक्ष प्रदोहव। ओम शांति शांति शांति। कई बार हमारे स्क्रिप्टन हॉल पर हमारे स्क्रिप्टन कम्युनिटी हॉल पर आदि विश्वनाथ भैया अपने मंडली शीतल रमान मंडली के साथ में आया करते थे, अपने हाथों से अपना योगदान भी करते थे, तो आज उनका पुण्य उदय हो और भगवान के परम धाम को मिले। आइए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज का जो प्रसारण है यहीं पर हम विराम पर ले जा रहे हैं, अगले सप्ताह 7:30 बजे पर हम पुनः श्री स्टूडियोज के माध्यम से आपके बीच में आएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय जय नमः पार्वती, बताए हर हर।